ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आजादी के 70 साल के बाद भी श्रावस्ती जिले के जमुना तहसील क्षेत्र में दर्जनों गांव ऐसे हैं जो आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। यहां के लोग अंधेरे में रहने के आदि हो चुके हैं। इनको अब ये उम्मीद ही नहीं दिख रही है कि भविष्य में इनके जीवन काल में इस गांव में बल्ब का उजियारा कब होगा। ये तस्वीर श्रावस्ती जिले की जमुना तहसील के एटा गांव की है जिसकी आबादी लगभग 1000 से ज्यादा है। इस गांव के लोग आजादी से आज तक बिजली के लिए तरस रहे हैं। देश में कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन इस गांव के लोगों की किस्मत नहीं बदल सकी और आज भी ये लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। यहां के काफी बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 70 साल बिता दिए, लेकिन आज तक गांव में उन्होंने बिजली नहीं देखी है। तो हमारा कंप्यूटर बंद पड़ा है, वो तो आप दिखे ही हैं और फोटो में भी लिए हैं। हमारा कंप्यूटर कम से कम आज 6-7 साल से बंद पड़ा है और खराब हो गया। पहले हम मार्केट में थे, मार्केट से यहाँ आ गए, समस्या क्वार्टर खाली करा लिया गया, तो यहाँ भाग कर आए। अरे हम गरीब आदमी क्या करें, होते ही सब करना है। यहाँ आए तो कंप्यूटर हमारा खराब पड़ गया, तो इस सब परचून दुकान थोड़ा बहुत बढ़ा लिए, इसी से खाना खर्चा चलता है। और लाइट का बहुत प्रयास किए, कई बार डीएम साहब के पास दरखास्त दिए और कई बार मुख्यमंत्री के पास भी फाइल किए और 1076 नंबर पे कम से कम हम 3-4 बार फोन कर चुके हैं। कहा लगता है भैया, काटा जाता है दिन तब कहाँ के लिए सोचते, तब कोनो में ढकन मकन चलत है। उजाला कैसे करते? उजाला ही मस्ते चलते चाहे जाऊन। क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ बिजली व्यवस्था होगा या नहीं होगा? हो जाए बढ़िया। वही गांव के कई बुजुर्ग लोगों ने बताया कि गांव में जो बहुए आई हैं, उनके दहेज में आया इलेक्ट्रॉनिक सामान आज भी घर के कोने में यूं ही पड़ा है। उनको यूज करने के लिए हमारे पास बिजली है नहीं। अब तो गांव में नौजवानों के ऐसे रिश्ते भी आने लगे हैं जो आते ही पूछते हैं कि गांव में लाइट है या नहीं। आज कम से कम 70-80 साल की उम्र हो गई है, 70 साल आज तक बिजली हमारे यहाँ आई भी नहीं है। और विधायक मंत्री जितने आए सब लोग कहे कि हम बिजली लाएंगे, आज तक हमारे यहाँ बिजली नहीं आई। सब मट्टी तेल बढ़ रहा है और 2 लीटर पाते हैं, उसी में दिन काटते हैं, चिराग जलाते हैं। जब तेल खत्म हो जाता है, 1 महीना तेल भी नहीं चलता है और 2 लीटर वो भी कम हो गया है। बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? बच्चे चिराग में पढ़ाई करते हैं। क्या लगता है आपको बिजली की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, आपकी इतनी उम्र हो गई है? हमको सर उम्मीद है कि बिजली हमारे जिंदगी में मनो नहीं आएगी। ये जो ने गांव रहा थी वहाँ बच्चे थी रहा संभव नहीं रहा। कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है, वैसे चलावा जाते मट्टी तेल सेल में यहाँ पर कौन बताएगी। अंधेरे में दिन कटे थे लड़के हमारे, जब पैसे नहीं तब किमा पढ़ाई हुआ पढ़ा था। रात हो जाती है तो उजाला कैसे करती है? इस बारे में विद्युत अधिकारी से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि गांव का सर्वे कर लिया गया है, उसकी रिपोर्ट भी भेज दी गई है। पैसा आते ही गांव में लाइन बिछा दी जाएगी और लोगों को बिजली का लाभ मिलने लगेगा। देखिए जो यहां पर है ये सर्वे हो चुका है और सर्वे ये 5 साल में चयनित हो गया है और जैसे ये टेंडरिंग हो प्रोसेस चल रहा है, मध्यान से मुख्यालय हो रहा है, जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगा ये काम स्टार्ट हो जाएगा। कब तक हो जाएगा ये काम? ये टेंडरिंग देखिए मुख्यालय से ये हम बता नहीं सकते कितना टाइम लगेगा, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना। आजादी के 70 साल बाद भी आज वो अंधेरे में रहने? नहीं नहीं, इस बार ये सर्वे में चयनित है और जैसे ही टेंडरिंग प्रोसेस ये कम्प्लीट हो जाएगा, जैसे हमारा टेंडर हो जाए फाइनल, यहाँ आएंगे लोग, हाँ जो जाएंगे मैं काम यहीं से स्टार्ट करूँगा। मतलब कब तक होगा ये कन्फर्म नहीं है? कन्फर्म नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या लोगों को सिर्फ ख्याली पुलाव ही खिलाया जा रहा है या हकीकत में भी ऐसा होता है। गांव वालों ने तहसील दिवस से लेकर जिला अधिकारी तक गुहार लगाई, लेकिन आज तक इनकी फरियाद पर न तो अधिकारियों ने ध्यान दिया न ही जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया। अब देखना ये है कि भविष्य में इन गाँव वालों को बिजली की लाइन मिल पाती है या नहीं। श्रावस्ती से मिथिलेश पाठक की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरठ का रुख करते हैं जहां बुधवार रात झुकी